रिमझिम बारिश में आप इन सब की कटिंग्स लगा लीजिए, एक भी कटिंग्स फेल नहीं होगी। 3 से 4 दिन में इनमें जड़ें बन जाएंगी। रंग बिरंगे पत्तों वाले प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, बिना केयर के बिना देखभाल के सालों साल चलने वाले प्लांट। एक भी कटिंग्स आपके फेल नहीं होगी, 3 से 4 दिन में जड़ें बन जाएंगी। और तो बरसात का फ़ायदा उठाइए। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं कुछ ऐसे प्लांट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, रिमझिम बारिश हो रही है और हवाएं भी ठंडक हो गई हैं, हवाओं में नमी है, बारिश का मौसम है। तो इस समय जितनी भी कटिंग्स लगाएंगे 3 से 4 दिन में उनमें जड़ें बन जाएंगी और जैसे भी परमानेंट प्लांट है, एक भी कटिंग फेल नहीं होगी। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप इसे अल्टरनेंथ्रा लगा सकते हैं। इसमें देखेंगे 2 से 3 दिन में ही जड़ें बन जाती हैं। इसकी कलरफुल पत्तियाँ देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, जो ग्रीन पत्तियों वाले होते हैं, रेड पत्तियों वाले, पिंक पत्तियों वाले, ग्रीन पत्तियों वाले होते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसकी पत्तियां देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। नीचे से देखेंगे सब जड़ें बनी रहती हैं पहले से ही, और इसको कटिंग्स को अगर आप लगा देंगे तो एक दिन में ही देखेंगे जड़ें बन जाती है। और उसकी ढेरों सारी हैंगिंग बास्केट या प्लांटर्स हैज के रूप में भी इसे लगा सकते हैं आप। छोटी सी कटिंग्स लेकर के ऐसे ही लगा देंगे तो बहुत अच्छे से ये चल जाएंगी। तो आपको मैं ग्रीन पत्तियों वाली भी दिखाती हूँ दोस्तों। तो ये देखिए कि ग्रीन पत्तियाँ वाली है, ये बड़ी पत्तियों वाली है, थोड़ा गोल गोल इसकी पत्तियाँ होती हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। ये भी अल्टरनेंथ्रा की ही वेराइटी है। इसकी भी छोटी सी कटिंग्स आप लगा करके ढेरों सारे प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं, DIY बॉटल में या किसी भी चीज़ में से लगा करके आप कहीं भी रख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और बगल साइड से ऐसे देखेंगे सब ब्रांचेस होती हैं, तो वहाँ से कट कर लेना है और इसको लगा देना है किसी भी सॉइल में। एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट सैंड, कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, उसमें लगा देंगे तो बहुत अच्छे से ये कटिंग्स चल जाएगी। इसकी हरी भरी पत्तियाँ देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगती है। छोटी से छोटी कटिंग्स लेकर के आप लगा सकते हैं, 3 से 4 दिन में इसमें भी जड़ें बन जाएंगी और बहुत जल्दी ये कटिंग्स आपके तैयार हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये है डेविस बैकबोन, जो इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। एक ये ग्रीन पत्तियों वाला होता है, एक वेरीगेटेड पत्तियों वाला होता है। इसे आप कटिंग से इस समय ज़रूर लगाइए, इसमें भी 3 से 4 दिन में ही जड़ें बन जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। जब इसको कट करें दोस्तों तो इसमें ये सैप की तरह निकलता है, तो कुछ देर के लिए इसको पहले रख दीजिए ताकि इसका जो सैप है, दूध है, ये सूख जाए। फिर उसके बाद कटिंग्स लगाएंगे तो कटिंग्स ख़राब नहीं होती है। लेकिन मैं ऐसा ही कट करके लगा देती हूँ, मेरी कटिंग्स सारी लग जाती है दोस्तों। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप इसे कुछ देर के लिए रख दीजिए, फिर उसके बाद इसकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है रियो पॉट लिली का प्लांट, जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये बहुत जल्दी बास्केट को कवर कर लेते हैं, गमले को। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं, हैज के रूप में भी लगा सकते हैं। इसकी कलरफुल पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इसमें भी 3 से 4 दिन में जड़ें बन जाती हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत ये पत्तों वाले प्लांट हैं। अगर आपके पास फूल वाले पौधे नहीं हैं तो इसे आप ज़रूर लगाइए, कम देखभाल में और सालों साल चलने वाले प्लांट होते हैं। ना इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और ना ही इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ना पानी की ज़्यादा नीड होती है। तो साइड से देखेंगे बेबी प्लांट्स सब बने हुए होते हैं, यहाँ से इसको बस कट कर लेना है और इसको सॉइल में लगा देंगे। इस क्योंकि इसमें एरियल रूट्स बने रहते हैं तो दोस्तों इसकी कटिंग्स लगने के चांस बहुत जल्दी रहते हैं, एक भी कटिंग्स आपकी ख़राब नहीं होगी और 3 से 4 दिन में ये कटिंग्स लग जाएगी। आप ज़रूर लगाइए इसे और इसके ढेर सारे प्लांट तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें एरियल रूट्स बने रहते हैं तो 3 से 4 दिन में ही इसकी कटिंग्स लग जाती है और जड़ें बन जाती हैं। बहुत अच्छा ये प्लांट होता है, एक भी कटिंग्स आपकी ख़राब नहीं होगी, चाहे जब इसे लगा सकते हैं आप। बस विंटर में ये थोड़ा डोरमेंसी में रहते हैं, विंटर में नहीं लगते हैं। उसके बाद दोस्तों स्पाइडर प्लांट भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, इसमें भी एरियल रूट्स बने हुए होते हैं। और मैं थी नहीं गर्मियों में दोस्तों, तो इसलिए मेरा प्लांट बिल्कुल पूरी तरह से ये ख़राब हो गया है। तो इसमें देखेंगे सब बगल बगल से रनर्स निकले हुए होते हैं, तो यहाँ से बेबी प्लांट आपको ढेरों सारे मिल जाएंगे। यहाँ से बस आपको कट कर लेनी है, देखेंगे नीचे तो एरियल रूट्स बने रहते हैं, तो 3 से 4 दिन में ही इसमें भी जड़ें बन जाती हैं, बहुत जल्दी इसमें जड़ें बनती हैं और ख़राब भी नहीं होगी आपकी कटिंग्स। और बस इसमें पानी का ध्यान देना है और इसकी पत्तियां जो है मिट्टी में टच नहीं होना चाहिए, मिट्टी में अगर ज़्यादा टच हो जाएगी तो फंगस लग जाता है, प्लांट जो होता है ये ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमलों में, DIY बॉटल में या किसी भी चीज़ में आप लगा सक करके कहीं भी रख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद दोस्तों ये रंग बिरंगे पत्तों वाला कोलियस का प्लांट,
ये फूलों की कमी को मार देता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आपको कई कलर्स, कई वेराइटीज़ के मिल जाएंगे देखने को। कुछ पिंक पत्तों वाले होते हैं, कुछ ग्रीन पत्तियों वाले होते हैं और काफ़ी वेराइटीज़ के होते हैं। इसमें भी बरसात के मौसम में देखेंगे एरियल रूट्स बने रहते हैं, ये भी 3 से 4 दिन में इसमें जड़ें बन जाती हैं। बहुत जल्दी इसकी कटिंग्स लगती है। अगर आपसे नहीं लगती है तो इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस समय बरसात का मौसम है तो बहुत जल्दी इसकी कटिंग्स लग जाएगी। सब हर पत्तियों के नोट से इसमें जड़ें बनती हैं। इसे आप चाहे तो सैंड में या मिट्टी में या पानी में किसी भी तरह इसे आप ग्रो कर सकते हैं। और इस समय इसकी ढेरों सारी कटिंग्स आप तैयार करके नए नए प्लांट बना लीजिए, नहीं तो बरसात के मौसम में ये प्लांट अगर ख़राब हो जाएंगे तो आपके पास अगर नहीं रहेंगे तो आपको फिर से ख़रीदना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए आप इसे अभी से कटिंग्स से लगा करके इसको बचा सकते हैं और कटिंग के थ्रू इसे आप सालों साल अपने गार्डन में लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये कैक्टस, चाहे तो बनी कैक्टस हो या कोई भी कैक्टस हो, आप इसे भी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्लांट होता है और सब इसमें देखेंगे बेबी प्लांट सब बने रहते हैं। डिवाइड करके इसे आप कट करके लगा सकते हैं। मेरे पास 3 वेराइटीज़ के कैक्टस हैं, लेकिन एक भी मैंने कैक्टस ख़रीदा नहीं दोस्तों। ये तो नर्सरी में गिरा था तो मैं वहीं से उठा करके लाई थी, क्योंकि ये जो ऊपर की टिप होती है तो उसे ही टूट कर गिर जाती है। तो आप अगर देखेंगे नर्सरी में तो वहाँ से ला सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं कुछ भी। और इसको ऊपर से बस ऐसे कट करके सॉइल में लगा देंगे तो बहुत अच्छे से इसकी कटिंग्स लग जाएगी। और उसके बाद दोस्तों ये है अजवाइन का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है और इसकी पत्तियाँ ग्रीन ग्रीन होती हैं, मोटी मोटी मुलायम थिकनेस पत्तियाँ होती हैं, रोएदार पत्तियाँ होती हैं, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इसकी पत्तियों के पकौड़े भी बनते हैं, हमने भी बना करके खाए हैं दोस्तों। और इसकी पत्तियों को तोड़ेंगे तो इसमें अजवाइन की स्मेल जैसी खुशबू आती है, लेकिन ये अजवाइन का प्लांट नहीं होता है। और इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं इसको हटा करके फिर उसके बाद इसको कटिंग्स को लगा सकते हैं आप। और देखेंगे तो इसमें भी एरियल रूट्स बने रहते हैं, ये भी बहुत जल्दी इसकी कटिंग्स लग जाती है। 3 से 4 दिन में भी इसमें भी जड़ें बन जाएंगे दोस्तों, क्योंकि नीचे से देखेंगे तो एरियल रूट्स बड़े बड़े हो सब निकले हुए होते हैं बरसात के मौसम में, तो इसकी कटिंग्स लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद दोस्तों ये है पान का प्लांट, इसे भी आप कटिंग से इस समय लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत जल्दी जड़ें बन जाती हैं, 3 से 4 दिन में ही। ये मनी प्लांट की तरह ही होता है और ये भी बहुत जल्दी कटिंग से ग्रो हो जाता है, एक एक पत्तियों से ग्रो हो जाता है मनी प्लांट की तरह। और इसे आप इस समय कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। इसमें भी मैंने लगाया था लेकिन ये मेरा सूख गया, मैं थी नहीं दोस्तों इस वजह से। उसके बाद दोस्तों ये है सिंगोनियम का प्लांट, इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इसके ढेर सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। इसमें भी एरियल रूट्स बने रहते हैं, 3 से 4 दिन में इसमें जड़ें बन जाती हैं, बहुत अच्छे से ये कटिंग्स लग जाती है। कोई बच्चा भी इसे लगा देगा तो वो भी कटिंग्स लग जाएगी। इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे जैसे भी। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप फूल वाले पौधे नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसे आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए, अपने इंडोर गार्डन में लगा सकते हैं, बालकनी में। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, इसमें आपको कई वेराइटीज़, कई कलर्स को देखने को मिल जाएंगे। इसकी कलरफुल पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं और इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ी थोड़ी पानी इसमें डालना पड़ता है ताकि इसकी पत्तियाँ मुरझाएँ ना या और येलो ना हो। बस थोड़ी सी पानी का बस इसमें ध्यान देना होता है, ज़्यादा इसमें खाद की ज़रूरत नहीं होती। बेबी प्लांट सब बने रहते हैं, उसको कट करके आप इसकी कटिंग्स से ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। एरियल रूट्स सब बने हुए होते हैं, एक भी कटिंग्स आपकी ख़राब नहीं होगी। बस इसको ऐसे सॉइल में लगा देंगे तो आपकी कटिंग्स 100% ग्रो हो जाएगी, 3 से 4 दिन में इसमें जड़ें बन जाएंगी। कोई भी बच्चा इसको लगा सकता है और इसको लगा करके बारिश के पानी में ज़रूर रखिए ताकि ये आनंद ले और जल्दी से इसमें रूट्स भी बने। उसके बाद दोस्तों ये है जेड प्लांट, लकी प्लांट होता है। इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं और इसे आप कटिंग से ढेरों सारे बास्केट तैयार कर सकते हैं। इसकी टोपियारी भी बनती है और ये बोनसाई भी बनती है, पिकाक सेप भी दे सकते हैं इसे, कोई भी सेप में लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ये कटिंग्स इसकी ग्रो हो जाती है। अगर पिंच करते हैं तो उसके पिंच ऊपर की टिप को आपके फेंकिए ना, बस इसको मिट्टी में ऐसे अगर रख देंगे तो भी इसमें जड़ें बन जाती हैं। बहुत अच्छे से ये कटिंग्स आपकी लग जाएगी, एक भी कटिंग फेल नहीं हुई। किसी भी मौसम में आप इसे लगा सकते हैं, चाहे तो ठंडा हो या बारिश का मौसम हो या गर्मी हो, किसी भी मौसम में इसे कटिंग से आप ढेरों सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और इसके सॉइल के लिए एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट सैंड और थोड़ी सी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे
सैंड में भी लगा सकते हैं या तो मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग से आपकी ख़राब नहीं होगी, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाएगी। आप इसे लगा करके अपने घर में ज़रूर रखिए, बहुत ही शुभ पौधा होता है, लकी प्लांट होता है। तो इसके ढेरों सारे प्लांट आप कटिंग के थ्रू अभी लगा लीजिए, और धूप में रखना है दोस्तों, छाया में नहीं रखना है। उसके बाद ये है सिंगोनियम का प्लांट और मेथी, नहीं दोस्तों तो देख सकते हैं सब ला करके मेरे सारे प्लांट ये धूप में ही रख दिए थे, तो सारी इसकी पत्तियां बर्न हो गई हैं। तो इसे भी इस समय आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं, ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। तो मेरा इस समय तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं कटिंग से अभी नहीं लगा रही हूँ दोस्तों। पहले इसको मैं अच्छे से सही करूँगी, फिर उसके बाद मैं कटिंग से लगाऊँगी। यहाँ से देखेंगे हर नोड से इसके नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, तो इसको आप कट करके सॉइल में लगा देंगे तो आपके पास ढेरों सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये है मैरीगोल्ड का प्लांट, गेंदे का प्लांट, इसे भी आप इस समय अगर कटिंग से लगा लेंगे तो जो विंटर के मौसम में बहुत अच्छी इसमें ब्लूमिंग होगी। अब आपको इसको पिंच करने का समय भी मिल जाएगा, घना भी हो जाएगा आपका प्लांट और ढेरों सारे आपको फ्लावर भी देगा। तो इसकी ऊपर की जो टिप होती है इसको कटिंग से आप लगा लेंगे तो 3 से 4 दिन में इसमें जड़ें बन जाएंगी दोस्तों, तो आप ज़रूर लगाइए इसकी ढेरों सारी कटिंग्स। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।